इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाहे वो सीएनसी मशीन हो चाहे वो बीएमसी मशीन हो, इन दोनों में से किसी का भी अगर हमें प्रोग्राम बनाना हो तो हमें ज़्यादातर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले एम कोड्स, दूसरे नंबर पे जी कोड्स का यूज होता है। जब हम स्टार्टिंग में प्रोग्राम बनाना सीखते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, चाहे वो सीएनसी मशीन में आप प्रोग्राम बनाने में यूज करें, चाहे वीएमसी मशीन के प्रोग्राम बनाने में आप यूज करें, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। चाहे आप छोटा से छोटा प्रोग्राम बनाएं या बड़ा से बड़ा प्रोग्राम बनाएं। जैसे अगर हम बात करें एम कोड्स के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जैसे M01 ये क्या होता है आपका ऑप्शनल स्टॉप, ठीक है, M03, M04 यह क्या होता है आपका स्पिंडल का रोटेशन होता है, चाहे इसको राइट डायरेक्शन में करें या लेफ्ट डायरेक्शन में करें, राइट के लिए ये हो जाएगा और लेफ्ट के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं, चाहे वो आप सीएनसी का करें या फिर वीएमसी का करें, ठीक है। M05 यह क्या होता है, स्पिंडल स्टॉप, ठीक है, M07 और M08 कूलेंट ऑन, M09 कूलेंट ऑफ। सीएनसी के लिए भी सेम कोड यूज होते हैं, वीएमसी के लिए भी सेम कोड यूज होते हैं, ठीक है। M30 को प्रोग्राम एंड करने के लिए हम सीएनसी में भी यूज करते हैं और वीएमसी में भी यूज करते हैं। इस प्रकार से कुछ जी कोड्स भी हैं जो दोनों मशीनों के लिए कॉमन होते हैं, और प्रोग्राम चाहे छोटा हो या बड़ा हो इस कोड का यूज कंपलसरी होता है, ठीक है। जी कोड के बारे में अगर हम बात करें, G0 रैपिड ट्रेवल के लिए होता है, जहाँ पे हम कटिंग नहीं करते हैं, जो एरिया एयर में होता है उस एरिया में टूल ट्रेवल के लिए G0 कमांड का यूज करते हैं। G01 इसे हम लीनियर कमांड बोलते हैं, यह कमांड हमेशा फीड की हेल्प से ट्रेवल करता है, ठीक है। G02, G03 यह जब हम रेडियस का यूज करते हैं, चाहे वो राइट डायरेक्शन में हो चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में हो, उसमें हम इस कोड का यूज करते हैं, ठीक है।
और ज़्यादातर किस चीज़ का यूज होता है, G02 हो गया, 3 हो गया, G10, ठीक है, वर्क कोऑर्डिनेट्स जो सेटिंग होता है। इसके बाद आपका G28, रिफरेंस पॉइंट के लिए यूज करते हैं। G90, G91, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। और जो ज़्यादातर जो यूज होती हैं उसमें से आपका है फीड, आरपीएम और कटिंग स्पीड। फीड, आरपीएम, कटिंग स्पीड, तो हम इस वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। फीड क्या होता है, आरपीएम क्या होता है और कटिंग स्पीड क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। यह आपका सीएनसी चक कहलाता है। इसमें हमने एक वर्क पीस को क्लैंप किया हुआ है। यह जो है डायामीटर 20 है और यह जो है डायामीटर 18 है। यह एक टर्निंग टूल है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, फीड, आरपीएम, कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, यह क्या होता है, इसके बारे में समझाने के लिए आपको हमने यह फिगर बनाया। यह सीएनसी चक हो गया, यह वर्क पीस हो गया, इसका ये डायमीटर 20 है और ये डायमीटर 18 है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि फीड क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, फीड व्हाट इज फीड। तो अगर हम बात करें यहाँ से और यहाँ की, अगर हम ये लंबाई दे देते हैं 50, और अगर हम कहते हैं कि जब हम ये टर्निंग कर रहे हैं तो इसमें हमने फीड दिया कितने का, 0.2 का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टूल है हमारा 0.2 के फीड के रेशियो से यह टूल टर्निंग करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। तो इसमें हम फीड के लिए क्या बोलेंगे, इसको
इस फीड के रेशियो में टूल यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी 50 mm लंबाई का जो दूरी तय करता है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, फीट। जेड जीरो से मशीन ट्रेवल स्टार्ट कर दिया, कहाँ तक किया, 50 mm तक। ये आपका जेड जीरो हो गया। यहाँ से यह ट्रेवल करता हुआ कहाँ तक आया, 50 mm तक। तो जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, टूल यहाँ से चला, यह जो टूल ट्रेवल करता हुआ आया, जो ट्रेवलिंग कर रहा है इसको हम बोलते हैं फीट। दूसरा हम बात करते हैं आरपीएम। आरपीएम क्या होता है, जो हम ये चक है सीएनसी में क्या होता है, चक होता है, बीएमसी में क्या होता है, स्पिंडल होता है। इसमें चक रोटेट करता है, वर्क पीस को चक के द्वारा हम रोटेट करते हैं, और इसमें टूल क्या होता है, स्पिंडल के द्वारा रोटेट होता है। क्या होता है, रोटेट होता है। तो रोटेट करने की जो स्पीड हम डिसाइड करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना आरपीएम, एस से इसको हम इंडिकेट करते हैं, एस 1500, एस 2000। तो 2000 आरपीएम से हम जो इसको रोटेट करते हैं उसको बोलते हैं हम आरपीएम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कटिंग स्पीड कि कटिंग स्पीड क्या होता है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कटिंग स्पीड क्या होता है, और उसके बाद में बात करेंगे डेप्थ ऑफ कट क्या होता है। ठीक है, कटिंग स्पीड क्या होता है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं मेटल कट करने की जो स्पीड होती है उसको हम कटिंग स्पीड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यह डायामीटर क्या है, 20 है, और यह डायामीटर क्या है, 18 है। यानी प्रीवियस डायामीटर जो वर्क पीस का था वह 20 mm का था, और हम इसको 18 mm टर्निंग करके बना रहे हैं। तो जब हम 18 mm टर्निंग डाया को जिस स्पीड से हम इसको कटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेटल कटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेटल कटिंग कर रहे हैं, तो मेटल कटिंग करने की स्पीड को हम क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा गया है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कटिंग स्पीड के लिए कि इसमें दो डायामीटर जनरेट हो रहा है, पहला क्या है 20, दूसरा क्या है 18। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट कितना है इसको हम कैसे निकालेंगे, डेप्थ ऑफ कट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, D1 माइनस D2 तो ये क्या हो गया आपका D1, और ये क्या हो गया आपका D2। D1 कितना हो गया 20, D2 कितना हो गया 18, बराबर कितना हुआ 2 डिवाइड बाय 2। एक एमएम आया। तो इसमें डेप्थ ऑफ
कट कितना हो जाएगा, 1 mm। जो हम मेटल कटिंग कर रहे हैं, जो अभी जैसे अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था कटिंग स्पीड, कि मेटल कट करने की जो स्पीड होती है उसको हम कटिंग स्पीड बोलते हैं। तो मेटल कितना कटिंग कर रहा था, 1 mm पर साइड। तो जो ये 1 mm जो निकल करके आया, इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ कट। तो इस वीडियो में हमने आपको बारीकी से काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।